Hello my dear friends, you all are watching Mom's Princess Rupashri Naik and today's topic is really very interesting my dear friends. ये जो मैंने वीडियो शूट किया है वो एक लॉग टाइप की का ही आप समझ लीजिएगा बिकॉज ये सेंटा क्रूज पेंजम गोवा में है. ये प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है. यहाँ पर सेंटा क्रूज में जो चर्च है वहाँ पर फीस्ट होता है और वो जात्रा जिसे हम कहते हैं जात्रोत्सव, तो फीस्ट में जो मेला लगता है, फेयर लगता है, वहाँ पर रास्ते पर जो भी है मेले में बहुत सारे खिलौने वगैरह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आइटम्स आए थे. तो मैंने यह वीडियो शूट किया और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपलोड करूँ बिकॉज द टॉयज़, द सॉफ्ट टॉयज़, और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है माय डियर फ्रेंड्स सॉफ्ट टॉयज़ के लिए. तो पहला डेफिनेटली जो मैंने क्लिक किया, वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो इस छोटा सा जो उन्होंने पंडाल डाला है यहाँ पर और सभी जो सॉफ्ट टॉयज़ यहाँ पर रखे वगैरह वगैरह डिफरेंट कलर्स के, दे आर सो अट्रैक्टिव, डिफरेंट कलरफुल सॉफ्ट टॉयज़. ओ माई गॉश, आई जस्ट एम क्रेजी अबाउट ऑल दिस सॉफ्ट टॉयज़. ऑफकोर्स मैंने भी कुछ परचेज किए हैं लेकिन मुझे जो चाहिए था वो बहुत बड़ा था और यानी कि मेरे पास बहुत सारा टेडी बेयर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टॉयज़ है, डॉल्स है, लेकिन जो मुझे बहुत प्यारा लगा एक्चुअली ऐसे वाले पांडा भी मेरे पास है माय डियर फ्रेंड्स. एंड सी जस्ट लुक एट द डिफरेंट कलर्स, सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेडी बेयर्स, कलरफुल, दे आर सो अट्रैक्टिव माय डियर फ्रेंड्स. सच में मन जो आकर्षक करने वाले जो सॉफ्ट टॉयज यहाँ पर लगाए गए हैं. और ऐसे वाले पिलोज भी मेरे पास बहुत सारे हैं रेड कलर के. इनफैक्ट दिस टाइप पिलोज ऑल्सो हैव, दिस इज सो क्यूट माय डियर फ्रेंड्स. इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो एक टेडी बेयर था, जो येलो कलर का टेडी बेयर था वहाँ पर जो राइट हैंड साइड में है. शायद पता नहीं, मैंने उसे भी रिकॉर्ड एक्चुअली किया था. ओके, बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो ईयर रिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टड्स और सिल्वर टाइप्स, यू नो गोल्डन टिंट वाले जो सब इमिटेटेड ज्वेलरी जो यहाँ पर है, स्पेशली द ईयर रिंग्स. इनफैक्ट मैंने भी कुछ अपने लिए परचेस किए हैं लेकिन बहुत सारे प्यारे प्यारे हैं माय डियर फ्रेंड्स. यू कैन जस्ट सी दिस, सो ब्यूटीफुल दे लुक. और ईयर रिंग्स बोले तो किस गर्ल्स को क्रेज़ नहीं होगा, ईयर रिंग्स सभी पसंद करते हैं पहनने के लिए. इनफैक्ट डिफरेंट कुर्तीज पे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और यू कैन पेयर इट अप ऑन योर टॉप्स, स्पेशली जीन्स टॉप्स भी, और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स. और मैंने स्पेशली सोचा कि मैं इसे भी अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लूँगी. और देखिए यहाँ पर कितने सारे अच्छे, इनफैक्ट इसमें से मैंने जो येलो कलर के हैं वो मैंने परचेस किए हैं और ये जो पर्पल कलर के हैं वो भी मैंने परचेस किए हैं. इनफैक्ट नॉट पर्पल, दे आर ब्लू इन कलर. या और देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के जो आपको दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स. ये वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर इतने सुंदर दिख रहे हैं तो नेचुरली आप लोग जानते होंगे, जब कभी भी अपने एरिया में आप मेला वगैरह देखते हैं, फीस्ट का, फेयर का, तो ऐसे वाले बहुत सारे अट्रैक्टिव ईयर रिंग्स आपको भी बहुत ज़्यादा दिखने मिलते हैं और दे आर रियली वेरी अट्रैक्टिव. एंड मन डेफिनेटली करता है कि जस्ट एक ही नज़र में इन्हें खरीद लूँ करके. और बहुत सारे प्यारे प्यारे से हैं, ब्यूटीफुल दे लुक माई डियर फ्रेंड्स. और जैसा कि आप देख रहे हैं रास्ते के बीच, जो बीच में रास्ता है और रास्ते के उस ऑपोजिट जो दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर भी कुछ स्टॉल्स लगे थे माय डियर फ्रेंड्स, जो फुटवेयर के थे और बच्चों के, छोटे बच्चों को जो कपड़े रहते हैं उनके स्टॉल्स लगे थे यहाँ पर. दिस एक्चुअली फुटवेयर है जस्ट फॉर ₹100, ₹150, ₹230 और ₹300, वो डिपेंड रहता है. और जो स्मॉल बच्चों के यहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी डिस्प्ले करके उन्होंने रखे थे. और ये मेला जो आता है माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं बहुत रीज़नेबल प्राइस को, इनफैक्ट बहुत लो प्राइस को, जैसा कि मैं अगर आपसे कहूँ तो बहुत लो प्राइस को मिलती हैं. तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पर जो भी सिटी में ये लोग रहते हैं तो उन्हें परचेस करना पसंद करते हैं और बहुत अच्छा होता है माय डियर फ्रेंड्स. इनफैक्ट अच्छे टॉयज़ मिलते हैं और वैरायटी ऑफ थिंग्स आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा वीडियो में. बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर ख़रीदने को मिलती हैं और सुंदर भी होती हैं वे और क्वालिटी भी अच्छी रहती है. बस आपको पिक करना समझने आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, पिक करने को आपको समझ में आना चाहिए.
यहाँ पर देखिए नाइटीज़ जो शॉर्ट नाइटीज़ है, लॉन्ग नाइटीज़ है, नाइट ड्रेसेस जो नाइट में पहनते हैं तो वो भी बहुत सारे अच्छे हैं। और जो शॉर्ट नाइटीज़ थी उनका प्राइस सिर्फ 150 को था एंड द क्वालिटी वॉज एक्चुअली सुपर्ब। आई हैव पर्सनली सीन इट, आई हैव टच्ड द क्लॉथ और बहुत अच्छा मुझे लगा बिकॉज नाइटीज़ जो है 150 को बहुत अच्छे प्राइस में, दामों में वे सेल कर रहे थे। और यहाँ अभी हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और साइड में रास्ते के लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए कॉम्स वगैरह, जो मिरर वगैरह है, और यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आइटम्स यहाँ पर लगे हुए थे, डिस्प्ले को रखे थे और रिजनेबल प्राइस में दे रहे थे, अच्छे थे। यहाँ पर और एक ये अंकल जो बेटे हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे इयर रिंग्स अगेन डिस्प्ले करने के लिए रखे हैं और उन्होंने यहाँ से ख़रीदे हैं। इनफैक्ट दे वर सेलिंग ओनली फॉर 30 रुपीज़, वो जो अंकल बैठा था वो 30 रुपीज़ के लिए, ओनली फॉर 30 रुपीज़ ही वॉज सेलिंग द इयर रिंग्स एंड दे वर रियली लुकिंग नाइस, सो आई परचेज सम फॉर माई सेल्फ। और अभी आगे हम बढ़ रहे हैं और अभी और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें, जैसे कि आप देख रहे हैं रास्ते पर डेफिनेटली गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तो बहुत सारा शोर भी है वहाँ पर, नॉइज़ है। और ये यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स डिस्प्ले को रखे हुए हैं और या प्राइसेस आर ऑलमोस्ट 200, 300, 400, डिपेंड है एज़ पर द क्वालिटी। और इनफैक्ट क्वालिटी भी अच्छी लगी मुझे उनकी, लेकिन मैंने फ़िलहाल किया तो मेरे लिए कोई बैग परचेस नहीं किया बिकॉज आई ऑलरेडी हैव लॉट मैनी बैक पैक्स एंड हैंड बैग्स एंड पर्सेस, सो इस बार मैंने तो कोई बैग खरीद नहीं लिया है। अदरवाइज एवरी ईयर आई बेसिकली सी दैट आई परचेस एटलीस्ट वन बैग फ्रॉम दिस फेयर, एटलीस्ट वन और टू बैग्स। और यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ की चेन्स, हालाँकि मुझे इतना क्रेज़ नहीं है की चेन्स के लिए, सो मैंने जस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये शूट किया है की चेन्स के बारे में। की चेन्स तो मेरे पास ऑलरेडी है और उतना क्रेज़ नहीं है मुझे की चेन्स का, इनफैक्ट बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा है, डिफरेंट वराइटीज़ आर अवेलेबल ओवर हियर। एंड ये रहे बाद में शॉर्ट्स एंड फॉर बॉयज़ द टी शर्ट्स एंड द 3/4 पैंट्स और स्लीवलेस टी शर्ट्स एंड ऑल दैट। और हाँ, मैंने एक्चुअली पूछा नहीं रेट इनका कितना है करके, क्योंकि बॉयज़ का स्टाफ है तो मुझे नहीं चाहिए था, तो मैं आगे चली जा रही हूँ अभी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स और यहाँ पर देखिए सॉक्स वगैरह है और बहुत ही रिजनेबल रेट को मिल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इनफैक्ट थ्री कुछ वो दे रहे हैं, 3 pairs ऑफ सॉक्स फॉर जस्ट ₹100, वो जो वाइट क्रीम कलर के रहते हैं वो। और यहाँ पर अगेन हमें बैग्स देखने को मिल रहे हैं, नज़दीक कितने वराइटीज़ ऑफ बैग्स अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर आगे अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ की चेन्स दे हैव कैप्ट फॉर डिस्प्ले, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और ये देखिए अलग अलग टाइप के रखे हैं उन्होंने, बहुत सारे, ढेर सारे। और आजकल कार्टून कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा फेमस है, बच्चों को भी पसंद आते हैं। और यहाँ पर जो है वो बॉयज़ का स्टाफ है, जो भी उनका सॉक्स है या तो फिर टी शर्ट्स एंड 3/4 पैंट्स एंड ऑल दोज टाइप्स ऑफ स्टाफ्स। तो हमें अभी हम आगे बढ़े जा रहे हैं और इनफैक्ट मेले में जाना एक अजीब सी खुशी महसूस कराती है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज अच्छा लगता है डिफरेंट चीज़ से ख़रीदने के लिए और स्पेशली रिजनेबल रेट में जब आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे, तो वाई नॉट, यू विल डेफिनेटली वांट टू बाय इट। एंड यहाँ पर भी अगेन ब्लैंकेट्स है और बहुत अच्छे, इनफैक्ट मैंने भी एक दो ब्लैंकेट्स नहीं दो बेडशीट्स खरीदे हैं मैंने, प्राइस भी रिजनेबल था, 400 को कुछ बोला था मुझे, नहीं 350 को बोला था एक, और मैंने दो खरीदे हैं 600 को, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। और यहाँ पर गर्ल्स का सभी स्टफ, जो बालों में बैंड्स, क्लिप्स, हेयर बैंड्स एंड हाथों में पहनने वाला और हेयर बैंड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिप्स, इनफैक्ट यहाँ पर से भी मैंने कुछ ख़रीदा है मेरे लिए, यानी कि क्लिप्स खरीदे हैं मैंने, इनफैक्ट ऐसे वाले जो शाइनिंग हुए वैसे वाले क्लिप्स, शायद मुझे वो 50 रुपीज़ को मिले हैं, पता नहीं एक्चुअली मैं भूल गई बिकॉज मैंने शायद बहुत चीज़ें खरीदी है मेले में से, स्पेशली द
बालों के बहुत ज़्यादा स्टफ्स जो हेयर बैंड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिप्स बहुत ज़्यादा खरीदे, मैं तो मैं भूल गई कितने के, एक्चुअली मुझे लगता है 50 rupees में मैंने खरीदे थे. तो अभी हम आगे बढ़े जा रहे हैं. यहाँ पर और एक अट्रैक्टिव चीज़ मुझे नज़र आती है, माय डियर फ्रेंड्स, नहीं वो थोड़े आगे है. यहाँ पर देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल एंड यानी कि डोर को हैंग करने वाले जो रहते हैं वो भी है, कुर्तीज़ है, और यहाँ पर प्लाजो पैंट्स है और जैगिंग्स है, लेगिंग्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफ्स, स्टोल्स है और शॉल्स भी अवेलेबल है. एक्चुअली मैंने ख़रीदा है अपने लिए एक शॉल, लेकिन कलर कौन सा था उसका, हाँ ब्लू कलर का ख़रीदा है. और ये रहे सॉक्स वगैरह, सॉक्स ऑलरेडी मैंने परचेज की, एक्चुअली थे मेरे पास, तो मैंने सोचा मेला आया है तो क्यों ना वापस से और 3 pairs में ख़रीदूँ जो मुझे 100 rupees को मिला है. और यहाँ पर मुझे एक अट्रैक्टिव चीज़ आई नज़र की, जस्ट पिक एनीथिंग ओनली फॉर ₹20. सो यहाँ पर मैंने क्या क्या ख़रीदे, गमले, यस दीज आर द प्लांट्स का पॉट्स जो रहते हैं प्लांट डालने के लिए. अभी बारिश आने वाली है तो मैंने पहले ही कलेक्शन करके रखा है, मैंने 4 pots खरीदे हैं. यहाँ पर देखे डायरेक्ट सेल ₹20 ईच, फिक्स्ड रेट ₹20 को कुछ भी आप खरीदो सिर्फ ₹20 में आपको मिलने वाला है. और मैंने और क्या ख़रीदा यहाँ पर, या द डिश वॉशर आई हैड परचेस्ड एंड नेचुरली द 4 vases, आई मीन द या गमलेज जो है वो ख़रीदे मैंने. और पेंस का मैं सेट लेना चाहती थी लेकिन बाद में क्या रहने दो. बाद में यहाँ पर हम स्लीपर्स देख रहे हैं, ये जो स्लीपर्स है इनका प्राइस तो मैंने नहीं पूछा था लेकिन बेसिकली 100 to 150 में रहेंगे बिकॉज दैट इज़ माई अंदाज़ा, क्योंकि हर साल मेला लगता है 2 times तो नेचुरली ऐसे ही प्राइस में देते हैं वे लोग. और अभी हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर देखें तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कुर्तीज़ अवेलेबल है माई डियर फ्रेंड्स, एंड द रेट्स आर जस्ट ऑलमोस्ट 400, 450, 600, 650. हाँ मुझे भी ख़रीदना था ये पिंक वाला, शायद मैं ख़रीदने वाली थी लेकिन बाद में सोचा नहीं रहने दो अभी बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे कुर्तीज़ है. सो इनफैक्ट जैन में मैंने दोबारा वापस शॉपिंग की थी तो इस बार मैंने मई में नहीं की शॉपिंग कुर्तीज़ की, पहले उन्हें पहनकर थोड़ा यूज़ करती हूँ, बाद में वापस मेला आएगा तो खरीदूँगी, बिकॉज अदरवाइज आई ऑनलाइन अदर परचेस, नहीं तो मैं पेंजिम जाकर परचेस करती हूँ शॉप्स में डायरेक्ट. लेकिन मेला आता है तो अच्छा लगता है कि हम कुछ ना कुछ खरीदें करके. सो बिकॉज दिस मेला जस्ट कम्स वंस इन अ ईयर, दैट इज़ इन अ मंथ ऑफ मे. और क्यों आता है, स्पेशलिटी क्या है इस मेले की, बिफोर द मंथ ऑफ यानी कि बिफोर जब रेन्स शुरू होते हैं तब ये मेला आता है. और इस मेले की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले ही स्टोर करके रखते हैं, यानी कि बारिश के दिनों में जो भी हमें चाहिए पड़ती हैं, स्पेशली टैमरिंड एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ स्टफ्स, तो मसाले वाली जो भी मसाला बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए पड़ती हैं वो सारी चीज़ें हम पहले से स्टोर करके रखना पसंद करते हैं. इसलिए ये मेला यहाँ पर लगता है जहाँ पर जो भी स्टोरेज लोग करते हैं, हालांकि आजकल सभी जगह पर मिलते हैं स्टोरेज करने वाली चीज़ें, लेकिन मेरे की स्पेशलिटी एक्चुअली ये है कि जो भी बारिश के पहले आता है वो सारी स्टोरेज यहाँ पर हो जाती है. तो यहाँ पर और स्टफ़ टॉयज़ वगैरह दिखने को मिल रहे हैं. और ये जो स्लीपर्स है दिस आर ओनली जस्ट फॉर ₹150, सो रीज़नेबल प्राइस है. और यहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ भी लगे हुए हैं, मैंने रेट नहीं पूछा था. एंड दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स, इनफैक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने लास्ट टाइम खरीदे थे वो अभी तक मैंने पहने नहीं हैं, लेकिन दे आर ऑफ गुड क्वालिटी बिकॉज प्रीवियस ईयर्स जो मैंने पहने थे अभी तक मैं उन्हें यूज़ कर रही हूँ ऐसा मैं कह सकती हूँ. सो दे आर रियली एक्चुअली ऑफ गुड क्वालिटी, लेकिन आपको स्टिच करके लेना पड़ता है पहले. अगर आपको स्टिच करके आप लोगे तो सालों साल आप उन स्लीपर्स को पहन सकते हो या उन सैंडल्स को पहन सकते हो. यहाँ पर अगेन प्लाजोज है और लेगिंग्स है और वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैंट्स अवेलेबल है. यहाँ पर टॉयज़ है बच्चों के लिए, मैंने तो नहीं खरीदा है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एक्चुअली दिस टाइप टॉयज़ राइट नाउ. आई मीन आई एम अ ग्रोन अप गर्ल सो नेचुरली ऐसे टॉयज़ मुझे नहीं चाहिए माई डियर फ्रेंड्स, लेकिन अच्छा लगता है देखने को. हाँ यहाँ पर नेल पॉलिशेस है और हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफ्स जो लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इनफैक्ट छोटे बच्चों के लिए भी. और रेट कितना है, बहुत ही रीज़नेबल माई डियर फ्रेंड्स, जस्ट फॉर आइदर 10 or 20 rupees में आपको ये मिलेंगे.
और 50 या 100 में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे आपको मिलेंगी, यानी कि प्राइस बहुत कम है और इतना अच्छा मेला, माय गुडनेस, दिस इज़ रियली ग्रेट। यहाँ पर जो भी है अर्दन पॉट्स है, यानी कि पानी भरने वाले जो मटके रहते हैं, हाँ मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खरीदा है मटका, क्योंकि मेरे अगर मैं खरीदूंगी तो एक दिन में वो ब्रेक हो जाएगा बिकॉज मैं मड की चीज़ों को हैंडल नहीं कर, मैं बहुत ऐसा होता है कि कभी कभी मैं मेरे हाथों से ड्रॉप हो जाती है वो चीज़ें, सो यू नीड टू बी लिटिल हैविंग अ लॉट, ऑफकोर्स मेरे पास बहुत सारा आई हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, बट मड की चीज़ें हैं तो डर लगता है अगर खरीदूंगी बाद में ब्रेक हो गया तो क्या, सो आई डू नॉट, बट बेसिकली मैनी पीपल परचेज देम। हियर अगेन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वराइटीज़ ऑफ फुटवेयर अवेलेबल जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे पसंद था वो हील वाला लेकिन मैंने नहीं ख़रीदा बिकॉज पता नहीं मेरे पास कितने डे सारे पेयर्स ऑफ शूज़ एंड सैंडल्स एंड स्लीपर्स ऑलरेडी हैं। इनफैक्ट टोड़े तो ऐसे हैं जो अभी तक मैंने टच भी नहीं किया अपने फिट को, तो मैं उन्हें पहले यूज़ करना पसंद करूँगी, बाद में मेला तो हर साल आता रहेगा तो बाद में देखूंगी अगर पसंद आया कुछ तो खरीदूंगी। लेकिन बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ें यहाँ पर हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लग रही हैं देखिए, और यादिस हिल्स जो है बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मैंने रेट भी नहीं पूछा उनका बिकॉज एक्चुअली आई डिड नॉट वॉन्ट टू परचेस, और बारिश के दिनों में अभी सैंडल्स जो काम आने वाली हैं, रेनी वेयर जो फुटवेयर जो रहते हैं सैंडल्स, तो डेफिनेटली ये भी बहुत सारे अवेलेबल थे यहाँ पर, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने नहीं खरीदे हैं दोबारा से अगेन। अगर चाहिए तो वापस पेंजिंग से ख़रीदने को मैं जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर मुझे सैंडल्स अच्छे तो लगे लेकिन मेरे पास जो ऑलरेडी हैं इसलिए मैंने नहीं खरीदे। सो नेक्स्ट वी आर अगेन गोइंग टूवर्ड्स द ग्लासेस, यहाँ पर बहुत सारे अट्रैक्टिव है, मैंने नहीं करी थी बिकॉज आई डोंट यूज दिस टाइप ऑफ ग्लासेस, मेरे पास ऑलरेडी रे बैंड है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स के जो है मैं उन्हें पसंद करती हूँ यूज़ करना। सो यहाँ पर देखे जैकेट्स है छोटे बच्चों के लिए जींस के, और यहाँ ऑपोजिट गाड़ी के जो ऑपोजिट इस तरफ में देखे आप बहुत सारे कुर्तीज एंड शॉर्ट ड्रेसेज अवेलेबल है माई डियर फ्रेंड, एंड दे आर रेट्स आर जस्ट प्रॉबेबली 100, 200, 250, लेकिन मैं नहीं खरीदती हूँ यहाँ पर, मैंने कुछ नहीं खरीदा है बिकॉज आई एक्चुअली डू नॉट वॉन्ट दोज टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, ऑलरेडी मेरे पास कुर्तीज एंड गाउन्स वगैरह है तो मैंने वापस से नहीं खरीदे बिकॉज उन्हें पहले पहनना ज़रूरी है, नहीं तो वो ऐसे ही रह जाएंगे कबर्ड में और मैं खरीदती जाऊँगी और बाद में पहनेगा कौन, तो नेचुरली पहले उन्हें पहनना है। और देखिए बहुत अच्छा मेला था माय डियर फ्रेंड्स, द एक्सपीरियंस वाज रियली ग्रेट एंड आई एंजॉयड इट, आई लव्ड इट, आई एक्चुअली लव गोइंग टू द फेयर स्पेशली विथ माय मदर, एंड हम इतनी सारी शॉपिंग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट